नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो विषय हैं आज के, उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे खरीफ मक्का की बुआई और देखभाल को लेकर, और साथ ही बात होगी मशरूम की खेती की, किस तरीके से आप इसमें उचित प्रबंध अपनाकर अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। और इसी से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनका भी परिचय हम आपसे करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शंकरलाल जाट जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर वीपी शर्मा जी। आप निदेशक हैं मक्का निदेशालय अनुसंधान से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शर्मा आपका भी। तो काफी महत्वपूर्ण विषय हमारे आज के, जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। जल्दी से आपने जो सवाल है तैयार कर लीजिए, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर शुक्ला आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो खरीफ मक्का की बुआई है वो हमारे किसानों ने समय पर की है, और उसकी देखभाल जो है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस समय। जी देखिए मुकुल जी, ऐसा है कि जो मक्का अभी हमारे देश में एक औद्योगिक फसल बन चुकी है, क्योंकि इसका जो उत्पादन जितना होता है उसका 85% भाग आपका उद्योगों में जाता है, जिसमें मुख्यतः पोल्ट्री के ऊपर है, पशु आहार है। और हाल ही के 2-4 वर्षों में इसका जो खाद्य प्रसंस्करण है इसमें काफी बढ़ा है जी। तो इसकी दृष्टि से अगर हम जो मक्का पैदा करते हैं और जो अच्छी मक्का अगर पैदा करना चाहते हैं तो वो आपकी एकदम डिजीज फ्री होनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे कैसे करके अपनी खाद्य श्रृंखला में आ रही है जी। तो उसके लिए आपको उचित मक्का की देखभाल की जरूरत होती है। हालांकि जो साइक्लोन ताऊते आया था उसके समय से ही अपने देश में मक्का की बुआई स्टार्ट हो गई है। कुछ किसानों के यहाँ वो 1 महीने की हो चुकी है, कुछ के यहाँ 1.5 महीने की हो गई है, किसी के यहाँ 15 दिन की है, और किसी के यहाँ अभी बुआई करना बाकी है जहां पे अभी भी थोड़ा बहुत मानसून ऑनसेट होना है जी। तो हम उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि मानसून ऑनसेट होगा उस समय, मतलब जैसे अभी बारिश से चालू हुई है, जैसे दिल्ली में भी अभी 3 दिन से देख रहे हैं हम बारिश से चल रही है, मानसून जो सक्रिय है, सब मानसून सक्रिय है। तो इस समय और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उनके यहाँ जो कीड़े हैं, उनके यहाँ जो फसल में जो घास फूस होता है, खरपतवार होते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो तीन चीज मुख्य होती है कि एक तो आपकी पौधों की संख्या मक्का में बहुत महत्वपूर्ण होती है जी, उसको कैसे मेंटेन करें। दूसरा यह है कि आपको उसमें जो खरपतवार बहुत आते हैं इस मौसम में, कैसे उनका प्रबंधन करें और भी कम लागत में वो कैसे खरपतवार का प्रबंधन करके अपने अच्छी मक्का की फसल ले सकते हैं जी। एक नया कीड़ा आया है मक्का में, अगर वो भी आ रहा है किसानों के यहाँ तो उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे जी, कि ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी मक्का का उत्पादन ले सके जी। बिल्कुल, इस बारे में विस्तार से आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं और विस्तार से समझते हैं हमारे इस विषय को। मक्का की खेती के लिए उत्तम जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है। सिंचित क्षेत्रों में मक्का की बुआई मॉनसून आने के 10 से 15 दिनों पहले कर देनी चाहिए। वर्षा आधारित क्षेत्रों में आमतौर पर वर्षा के आने पर ही मक्का की बुआई की जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मेड़ बनाकर उनके ऊपर मक्का की बुआई करनी चाहिए। मक्का की बुआई के लिए देसी छोटे दाने वाली किस्मों के लिए 16 से 18 किलोग्राम, संकर के लिए 20 से 22 किलो और संकुल किस्मों के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त रहते हैं। मक्का में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 75x20 सेंटीमीटर या 7x25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर मक्का की बुआई बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न के लिए की जा रही है तो पौधों के बीच की दूरी 60x20 सेंटीमीटर सही रहती है। किसान बीज बोने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। अगर मक्का की बुआई बलुई मृदा में की जाती है या खेत में जिंक की कमी हो तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट को खेत में बुआई से पहले डालना चाहिए। मक्का की खेती में निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण के साथ ही ऑक्सीजन का संचार होता है, इससे वो दूर तक फैलकर भोज्य पदार्थ को इकट्ठा कर पौधों को देती है। पहली निराई अंकुरण के 15 दिनों बाद कर देनी चाहिए और दूसरी निराई 35 से 40 दिनों बाद करनी चाहिए।
तो जाना आपने किस तरीके से बेहतर ढंग से आप मक्का की बुआई कर सकते हैं, जो कि मोटे अनाज में शामिल है मक्का, और पोषण के लिहाज से देखा जाए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब हम पोषण की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उतना ही महत्वपूर्ण है मशरूम भी। उसकी खेती हमारे जो किसान करते हैं, किस तरीके से ना सिर्फ बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं बल्कि मशरूम के जरिए मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं, इस बारे में भी डॉक्टर वीपी शर्मा आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मशरूम की खेती की अगर बात हम करते हैं, काफी मुनाफा इसमें छिपा हुआ है, काफी फायदा है, और आज के समय में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी जरूरी हो चली है। बिल्कुल जी, क्योंकि मशरूम एक ऐसी फसल है जिसको हम जिसमें गुण ही गुण है जी। आप शुरू करें कि मशरूम एक लैंडलेस वेंचर है, यानी कि खेती बिन खेत की सबसे जो बड़ी इसकी इसकी जो विशेषता है ये कि ये लैंडलेस वेंचर है, बिना खेत की इसकी खेती की जा सकती है। और ये जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज होते हैं, लगभग 700-800 मिलियन टन हमारे देश में विद्यमान है, उनका प्रयोग हम मशरूम की खेती के लिए, उसका एक अंश भरा मशरूम की खेती के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये लेबर इंटेंसिव है मशरूम की खेती बाड़ी, तो हम जो रोजगार की समस्या है उसको भी हम लोग मशरूम की खेती करके एड्रेस कर सकते हैं जी। इसके साथ ही मशरूम एक बहुत ही हेल्दी फूड है, इनके मशरूम के अंदर लगभग 35% के करीब ड्राई वेट बेसिस के ऊपर प्रोटीन होती है, और प्रोटीन क्वालिटी प्रोटीन होती है, यानी कि इसके अंदर एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, सारे के सारे पाए जाते हैं। और विशेषकर मैं बात करना चाहूंगा लाइसिन और ट्रिप्टोफेन के, ये दो ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हम सीरियल्स खाते हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन मशरूम के अंदर पाए जाते हैं जी। और जो मशरूम के प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी है काफी ज्यादा है, लगभग 90% से ज्यादा जो प्रोटीन मशरूम के अंदर है सारा डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके साथ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है, जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। फैट्स की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल मशरूम के अंदर नहीं पाया जाता, और लगभग 80% के करीब जो फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इसके साथ ही फाइबर्स काफी पाया जाता है, 8-10% फाइबर पाया जाता है। मिनरल्स इसके अंदर पोटेशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, आयरन की बात करें, जिंक की बात, स्वास्थ्य के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक रूप से आपसे आगे हम जानेंगे कि कैसे किसान जो मशरूम की खेती करते हैं उनको आर्थिक रूप से भी और ज्यादा मजबूत बना सकती है, इस बारे में विस्तार से आगे आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मशरूम की लोकप्रियता ने इसकी व्यावसायिक खेती की नींव डाली। मशरूम को खुम्ब भी कहा जाता है, इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिताके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। ऑयस्टर मशरूम को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मिलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा एक साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8-10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और दो ट्रे के बीच 2-2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22-25 डिग्री का तापमान और 80-85% नमी चाहिए। मशरूम की खेती करने से पहले इसकी ट्रेनिंग ले लेना बेहतर रहता है। ऐसा करके किसान मशरूम की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बेहतर यही कि अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो उससे पहले प्रशिक्षण जरूर ले लें, उसके बाद ही आप देखिए जो अपना मुनाफा है उसको ना सिर्फ दोगुना बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हमारे किसान जो मक्का की खेती कर रहे हैं, इस बारे में डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, अभी की अगर बात की जाए जिस तरह का मौसम है, क्योंकि हमने देखा कि मानसून में भी जिस तरीके से बीच में थोड़ा सा अंतर आया था, ऐसी स्थिति में क्या जो किसान है, क्योंकि उनके बुआई में भी देरी हो जाती है, क्या विकल्प उनके पास बचता है? कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी देरी से भी बुआई हो सकती है? जी मुकुल जी, सही कह रहे हैं आप।
बिल्कुल, मक्का में बहुत सारे विकल्प हैं। अपने देश में ये मतलब बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 365 दिन मक्का की बुआई होती है। कोई कोई किसी न किसी जगह पे मक्का की बुआई कर रहा होता है और किसी न किसी जगह मक्का काट रहा होता है। पहले जैसा होता था कि खरीफ के ऋतु में ये मुख्यतः फसल होती थी, आप 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक इसकी बुआई करते थे। अब ऐसा नहीं है, इसकी वर्ष पर्यंत खेती होती है जी। और ऐसी ऐसी किस्मों का भी हो चुका है इजाद कि वो आपके कम समय में पकने वाले होती है जी। जैसे आप विवेक शंकर 27 है, विवेक शंकर 46 है, ये जल्दी पकेगा, जल्दी पकेगी। और डीकेसी 70-74 करके है और सीपी 555 है और सीपी 333 है। ऐसे करके किस्में हैं जो मार्केट में अभी भी इनका बीज उपलब्ध है। इन किस्मों का चुनाव करके आप बाद में जुलाई अंत तक भी इनकी बुआई कर सकते हैं जी। तो जहाँ जैसे बात कर रहे थे, रिपोर्ट में भी बात हुई थी कि जहाँ बारानी क्षेत्र है, बारिश आधारित खेती होती है, वहाँ बारिश होने के बाद ही मक्का की बुआई संभव है जी। या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब जैसे क्योंकि मानसून अच्छा सक्रिय हुआ है और हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा हो और सारी जगह बारिश हो जी, अमूमन अपने देश में सारे राज्यों के अंदर मक्का की खेती होती है। वो काफी किसानों ने बुआई कर ली है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं हो पाई है वो तैयार रहे, इन किस्मों का चुनाव कर ले। जो मैं एक बार फिर नाम बता देता हूँ, विवेक शंकर 27 है, विवेक शंकर 46 है, उसके बाद डीकेसी 70-74 है और आप सीपी 555 और सीपी 533 है जी। यानी किसी वजह से चुनाव करें और आप बुआई करें तो आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं मक्की से अभी भी जी। बिल्कुल, लेकिन इतनी भी देरी नहीं हुई है कि आप परेशान होने लगे। तो अलग अलग किस्में हैं जिनकी आप अगर चाहें, अगर आपको देरी हो चुकी है बुआई में तो आप इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। जल्दी ही पक्कर तैयार हो जाती हैं और उसके साथ साथ आवश्यकता होती है उचित प्रबंधन की भी, उस बारे में भी डॉक्टर शंकरलाल आपसे हम आगे जानकारी लेंगे। यहाँ डॉक्टर वीपी शर्मा आपके पास हम आना चाहेंगे। साल भर जैसे हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती हमारे किसान करते हैं, अभी का जो समय चल रहा है इस दौरान कौन सी जो प्रजाति है वो बेहतर मानी जाती है और किस तरह का उसमें प्रबंधन की आवश्यकता है? मुकुल जी, भारतवर्ष में हम मुख्य तौर पे 6 मशरूम की खेती करते हैं और उनके लिए अलग अलग जो टेम्परेचर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सर्दियों के दिनों में जनरली हम बटन मशरूम की खेती करते हैं, जबकि गर्मियों के दिनों में मिल्की मशरूम, विडिया मशरूम के नाम से किसी जानते हैं, और साथ ही पुआल मशरूम है, पेडिस्ट्रा मशरूम जो गर्मियों के दिनों में होता है जी, उसकी खेती की जाती है। और उसके साथ ही कुछ ढींगरी मशरूम की कई तरह की प्रजातियां हैं जो अलग अलग तापमान के ऊपर ग्रो की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी अगर किसान भाई करना चाहें तो पेडिस्ट्रा मशरूम, क्योंकि उसके लिए तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, और साथ ही मिल्की मशरूम जिसके लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है, उस मशरूम की खेती करते हैं। साथ में ही जो वेस्टर्न मशरूम है जिसे ढींगरी के नाम से हम जानते हैं, उसकी खेती भी जो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं उसकी खेती कर सकते हैं अगर किसान भाई मौसमी खेती करता है जी। कुछ किसान भाई, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स बड़े स्तर पे करते हैं, वो अपना जो वातावरण है उसको कंट्रोल करते हैं, एनवायरमेंट को, वर्ष पर किसी एक मशरूम की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ एक दर्शक फिलहाल जुड़े हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। ये राजस्थान प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं फोनलाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मशरूम की खेती की जानकारी और ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी मुझे? जी, मशरूम की खेती की जानकारी और प्रशिक्षण आप लेना चाह रहे हैं, प्रतापगढ़ राजस्थान से डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ से ले पाएंगे? जी देखिए, एक तो हमारा जो कुंभ अनुसंधान निदेशालय है जो कि सोलन में स्थित है, भारतवर्ष का एकमात्र संस्थान है जो मशरूम के ऊपर काम करता है। इसके साथ ही हमारे पूरे भारतवर्ष में 27 राज्यों में 32 अखिल भारतीय समन्वित कुंभ अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, और ये राजस्थान से है तो हमारा उदयपुर में एक केंद्र है जहां से प्रशिक्षण ये ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कुंभ अनुसंधान निदेशालय भी पिछले वर्ष से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहा है, महीने में 2 प्रोग्राम किए जाते हैं और जल्दी हम ऑफलाइन प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं। साथ में ही एक 3 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे अभी शुरू कर रहे हैं 19 तारीख से, और इंडिविजुअल ट्रेनिंग का भी प्रावधान हमारे पास है। कोई किसान भाई अगर विशेष जैसे स्पॉन प्रोडक्शन में जो बीज होता है मशरूम का या जो औषधीय मशरूम है उसके ऊपर खेती के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग का प्रावधान भी यहाँ पे हमारे कुंभ अनुसंधान निदेशालय में है। डॉक्टर शर्मा, इसकी जानकारी कैसे हासिल हो सकेगी, क्या वेबसाइट के थ्रू या कोई टोल फ्री नंबर? हमारी वेबसाइट को नोट कर ले, उसके ऊपर सारा विवरण दिया जाता है, कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, कितना उसका फीस है, कैसे फीस को जमा करवाना है। ये DMR नोट कर सकते हैं, DMR solan.icr.gov.in।
ये हमारा वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरा विवरण इसे वीकली अपडेट किया जाता है, और जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है या जो भी किसी मशरूम से लेकर संबंधित जो भी जानकारी होती है उसके ऊपर इसको डिस्प्ले किया जाता है। जी बिल्कुल, तो जैसा आपने बताया dmrsolan.icar.gov.in में इस वेबसाइट पर जाकर देखिए सारी जानकारी आपको हासिल हो सकती है प्रशिक्षण के लिए, और बेहद जरूरी कि आप प्रशिक्षण लें और फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएं। साथ ही रक्षण कलाल, अगर हम मक्का की यहाँ बात करते हैं लगातार जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन जो किसान हमारे समय से इसकी बुआई कर चुके हैं और आपने बताया कि शुरुआत में खरपतवार की जो समस्या है वो अमूमन नजर आती है, इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, खरपतवार एक मुख्य समस्या है मक्का में, और कोई सी फसल इस मौसम में होती है क्योंकि बारिश से ज्यादा होती है तो उस समय आपके ज्यादा से ज्यादा दो बार तीन बार चार बार भी आपके खरपतवार आ जाते हैं फसल में। जी तो लेकिन इतनी बार खेत से खरपतवार निकालना, हाथों से निकालना बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि आजकल लेबर भी महंगी हो गई है और उपलब्ध भी नहीं है। पहली बात तो उपलब्ध नहीं है, जी अगर उपलब्ध है वो भी बहुत महंगी है, तो इससे आपको खेती में काफी मुनाफा कम हो जाता है। जी तो इसके लिए जैसा कि हम रिपोर्ट में भी बताया, और उसमें ये है कि आपको दो बार आप कुछ भी खरपतवार नाशी यूज नहीं करें, तो दो बार अगर इसकी वीडिंग कर दें, एक आपका 20 दिन के आसपास, 15 से 20 दिन, उस समय आप क्या करेंगे, ज्यादा पौधे होंगे, जो पौधे आपके दो पौधे साथ में है या किसी के साथ कीड़ा लग गया है या रोगग्रस्त है, कुछ कट गया, उसको निकाल दें और उसके साथ ही आप इसकी खरपतवार निकाल दें। दूसरा एक 40 दिन के आसपास, जी इसको आप जो बेलू से चलने वाले हल होते हैं या फिर ट्रैक्टर चलित भी हल है आजकल आगे मतलब इसमें, जी तो उनसे आप जो दो पंक्तियां होती है उनके बीच में आप 15-20 दिन बाद, जब थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी में करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो बेलू से चलित जो आपका बखर होता है वो चलाते हैं तो उसमें मिट्टी के नीचे पौधे दब जाते हैं। जी तो आपके थोड़े पौधे बड़े हों, कम से कम आपके 20-25 सेंटीमीटर के, मतलब एक आध फीट के आसपास जाए, तब आप वो चला लें। अगर दो बार उसको चला लेते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जी तो आप मशीन से भी आप कर सकते हैं, दूसरा हाथ से कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत अहम है और काफी किसानों को मालूम नहीं है, क्योंकि ये 2 साल से ही अभी अपने देश में प्रचलित हुआ है। आप जब बुआई करें, बुआई के 0 से 3 दिन बाद आप एट्राजिन करके एक रसायन आता है, उसका आप 400 से 500 ग्राम एक एकड़ में 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क दें, तो आपका 20 से 25 दिन तक कोई खरपतवार ज्यादा आएगा नहीं। उसके बाद आता है तो 20 से 35 दिन के बीच में एक और हमारे पास 2-3 खरपतवार नाशी आए, उनका नाम है टोपरा मेजोन, जो आपका टिंजर के नाम से उपलब्ध है। आप उसकी 30 ml मात्रा जी एक एकड़ में आप 250 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में छिड़कना है, 20 से 35 दिन की जो फसल है उसमें आप छिड़कना है। उसके साथ एक एडजुवेंट आता है, वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला लें। एक तो टोपरा में जो टिंजर हो गया, दूसरा एक टेम्बोटीन के नाम से और आता है जिसको लोडिस के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, और तो उसको भी आप 115 ml एक एकड़ का मिलाकर छिड़काव हो सके। तो खड़ी फसल में भी मेरा अभी किसानों से आग्रह है कि खड़ी फसल में भी आपके पास ऐसे खरपतवार नाशी आ गए जो चारा मार लेते हैं, आपके पास विकल्प उपलब्ध है। बिल्कुल, क्योंकि किसान अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं, खड़ी फसल में अगर छिड़काव करेंगे तो जो हमारी मुख्य फसल है कहीं उसको नुकसान न पहुंचे, लेकिन अब देखिए इस तरह के विकल्प आपके पास है, आप उनका चयन कर सकते हैं। आगे भी आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है? देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांग लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस, और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। Thank you.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ मक्का की बुआई और देखभाल के बारे में और साथ ही मशरूम की खेती के बारे में भी, दोनों विषय जिन पर लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं वो अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, रोशन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं झालावाड़ राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका रोशन सिंह जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो 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 जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो, हाँ सर मैं जी पूछ रहा हूँ जी। मैं खेती पर गया था पहले एक दो बार, तो उन्होंने बोला कि पहले मशरूम की खेती करने से पहले आप मार्केट ढूंढो, तो मंडी उंडी नहीं है क्या? जी मशरूम की खेती के लिए आप ये जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर शर्मा सवाल आया है झालावाड़ से हमारे पास रोशन जी का, और ये कह रहे हैं कि कोशिश उन्होंने पहले की लेकिन पहले ये कहा गया कि जो मंडी यानी बाजार हमें देखना होगा, तो क्या इसके लिए कोई सुनिश्चित बाजार है जहां पर विपणन जो है उसके लिए आसानी हो सके किसानों को, और कितना महत्वपूर्ण विपणन का भाग जो है? देखिए मुकुल जी, रोशन जी का जो प्रश्न है बहुत ही वाजिब है, क्योंकि मशरूम की फसल एक ऐसी फसल है जिसका बड़ा शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, जिसका टिकाऊ क्षमता है बहुत ही कम जी। बटन मशरूम की बात करें 2 से 3 दिन, भिंगड़ी की मशरूम करें तो लगभग सभी मशरूम की जो टिकाऊ क्षमता है 2 से 3 दिन। तो इसलिए हमारा जो मार्केटिंग चैनल है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और मशरूम तभी सफल हो सकती है मशरूम की खेती जब हमारा जो मार्केटिंग है सफल हो जी। तो इसके लिए नंबर एक तो फसल जो आप चयन करते हैं मशरूम का, बड़ा सोच समझ के करें कि किसकी मार्केट वहां पे उपलब्ध है जिसको आप मार्केट में अच्छे मशरूम को भेज सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे मशरूम है जैसे मैं ढेंगे मशरूम की बात की, वेस्ट जिसे कॉमनली कहा जाता है, बेदर की प्रजाति है उस मशरूम को, या स्टार्टे एक ऐसा मशरूम है जो दुनिया का नंबर एक मशरूम है, ऐसे मशरूम है जिनको हम आराम से धूप में सुखा सकते हैं जी। सुखाने के बाद इन मशरूम का भंडारण किया जाता है 6 महीने से लेकर 1 साल तक, और मार्केट एक डाटाबेस डीएम मार्केट वेबसाइट है उसके ऊपर एक डाटाबेस हमने बनाया है जी। कौन कौन से ऐसे व्यापारी हैं जो मशरूम को खरीदते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका लिस्ट एक उसके ऊपर डिस्प्ले किया गया है। उस साइट की हेल्प लेकर के ये अपनी मार्केटिंग कुछ अच्छे ढंग से कर सकते हैं, लेकिन मशरूम का चयन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ ही कई तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। पिकल एक बहुत ही बड़ा आसान सा तरीका होता है कि किसी भी मशरूम का अचार बड़े आराम से हम बना सकते हैं, जैसे बिस्किट्स या कुकीज कई तरह के बना सकते हैं हम लोग। इसके बड़ी मशरूम की बड़ी एक बहुत ही पॉपुलर हो सकती है, और इसका पाउडर इसके ऊपर भी खोज की गई है कि मशरूम का पाउडर भी हम जो आटा होता है कॉमन जिसे हर आदमी खाता है डेली उसमें हम मिक्स कर सकते हैं, और हमें जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को वो सारी हमें मिल सकती है। हेल्थ ड्रिंक्स इसके प्रोडक्ट हैं, न्यूट्री बार कई तरह के प्रोडक्ट जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे जो मार्केटिंग है एक ऐसा स्पेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और सक्सेसफुली मशरूम का अगर ग्रो करें तो मार्केटिंग के ऊपर मैक्सिमम ध्यान जी। एक अहम पहलू जैसा आपने कहा, अगर बाजार की हम बात करते हैं इसको सुनिश्चित करना, लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ मशरूम बल्कि इससे कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं, तो इस दिशा में भी अगर आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण जरूर लें और अपने आसपास का जो बाजार है उस पर भी ध्यान दें कि वहां क्या स्थिति है और कितनी मांग है, क्योंकि आज के समय में मांग के अनुसार हम देखते हैं जो किसान है वो काफी आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही रक्षण कलाल अगर हम यहां बात करते हैं, क्योंकि मक्का की खेती भी अगर देखी जाए तो हम देखते हैं इसी में बेबीकॉर्न भी हमारे किसान लेते हैं जिसकी काफी मांग रहती है, और इसको हरे चारे के रूप में भी प्रयोग कर लिया जाता है, तो क्या इसके लिए जो किस्में हैं अलग अलग चयन करना पड़ता है या किस तरीके से? जी बहुत सारे प्रकार है, जैसे आप बता रहे हैं बेबीकॉर्न है, चारे है, उसके बाद में एक स्वीट कॉर्न है जिसको अमेरिकन भुट्टा भी कहते हैं, और पॉपकॉर्न है। सबके लिए थोड़ा अंतर होता है किस्मों का, और इसके साथ एक और किस्म है जो सर अभी बता रहे थे कि अनाज के अंदर हमारी ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जो अमीनो अम्ल है उनकी कमी होती है जी। तो इसको बढ़ा के एक और मक्का का इजाद किया गया है, और जो उसको भारत का ही एक वैज्ञानिक है डॉक्टर एस के वासल, उन्होंने उसको कहते हैं उत्तम प्रोटीन युक्त मक्का जी। तो ये जो आपकी विशेष प्रकार की मक्का की श्रेणी में आती है, तो इनकी सारों की अलग अलग किस्में हैं। अभी मैं बेबीकॉर्न की बात करूं तो विवेक शंकर 27 है, उसके बाद में लुधियाना लड्डोवाल बेबीकॉर्न 1, लड्डोवाल बेबीकॉर्न 2 और लड्डोवाल बेबीकॉर्न 3 है, और उसके साथ G5414 करके किस्म है जो आपकी बेबीकॉर्न के लिए होती है, और बेबीकॉर्न के अंदर पौधों की संख्या ज्यादा रखी जाती है जी। जैसे अगर साधारण मक्का में हम बात करें तो 6 से 8 पौधे एक स्क्वायर मीटर में होते हैं,
आपका लाइन से लाइन की दूरी अलग हो सकती है, लेकिन 6 से 8 पौधे रहते हैं। पौधों की संख्या जैसे मैंने मुकुल जी शुरू में बताया था बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी तो हमारा जो उद्देश्य है वो साफ रहना चाहिए कि हम जो मक्का की बुवाई कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्या उसको हम जो शिशु मक्का यानी बेबी कॉर्न के लिए कर रहे हैं या हरे चारे के रूप में या मोटे अनाज के रूप में, इस पर ये निर्भर करता है। इस बारे में आगे भी आपसे मैं जानकारी लूंगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भगवान जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हेलो सर, मैं जानना चाहता हूँ जैसे एमपी में कहाँ पे रिसर्च सेंटर पे जहाँ से हम जानकारी ले सके मशरूम की खेती के बारे में। हेलो जी, सवाल आपका हम सुन चुके हैं। डॉक्टर वीपी शर्मा मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह का केंद्र या संस्थान जहाँ से इनको जानकारी मिल सके मशरूम की खेती के लिए। देखिए वैसे तो मैंने बताया कि हमारे 27 राज्यों में, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी मध्य प्रदेश में हमारा केंद्र नहीं है और जल्दी ही ऐसी संभावना है कि हमने एक प्रपोजल भारत सरकार को भेजा है कि वहां पे केंद्र खोला जाए। लेकिन उस समय तक जो सबसे नजदीक है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में एक केंद्र है हमारा, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हमारा एक केंद्र है अखिल भारतीय समन्वित कुंभ अनुसंधान परियोजना का, वहां से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रशिक्षण वगैरह प्राप्त करना चाहें जी तो कर सकते हैं वहां से, वो सबसे नजदीक मुझे लगता है कि इनके जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर शर्मा जानना चाहेंगे आपसे, मशरूम की जब खेती की जाती है इसमें तापमान कितना महत्वपूर्ण रहता है? देखिए मुकुल जी, जो मशरूम है मैंने बताया कि अलग अलग तरह के मशरूम है, उनके जो तापमान चाहिए होता है वो अलग अलग तरह का चाहिए होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन मशरूम है बटन मशरूम भारतवर्ष में जी, उसकी खेती 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्दियों के दिनों में उसकी फसल लगाई जाती है, क्योंकि उसकी जो रूटिंग होती है जो फसल निकलती है वो 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकलती है जी। इसी तरह से दूसरा एक प्रमुख मशरूम है भारतवर्ष का ढींगरी मशरूम, उसमें विभिन्न तरह की प्रजातियां हैं जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कोई 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रूट बॉडी देती है और इसके साथ साथ ही कोई ऐसी प्रजाति है जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रजाति देती है जी। इस तरह जो पॉल मशरूम है उसकी खेती 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है, मिल्की मशरूम की भी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है, शाकीय मशरूम की खेती 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है। इसके साथ ही कुछ मेडिसिनल मशरूम है, औषधीय मशरूम है, जिसमें ऋषि मशरूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सिर्फ औषधीय चीजों के लिए प्रयोग होता है, उसकी बाजार में दवाइयां या कैप्सूल टेबलेट्स या उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसको खाया नहीं जाता क्योंकि कड़वा होता है, लेकिन उसके औषधीय गुण बहुत ही ज्यादा है, उसकी खेती भी लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है। तो इस तरह से जो विभिन्न मशरूम है जो भारत में कमर्शियल तौर पे ग्रो जाते हैं वो सारे इस तरह के मशरूम है कि उनकी खेती हम अलग अलग तापमान के ऊपर कर सकते हैं जी, और कंट्रोल एनवायरमेंट जब भी उसको जिस भी इलाके में देंगे हम तो उस मशरूम की खेती वहां करना संभव होता है। लेकिन मशरूम की खेती का अगर मौसमी खेती भी करना चाहें तो हम विभिन्न मशरूम की किस्मों का चयन कर करके एक जगह पे पूरा वर्ष भर मशरूम की खेती करना संभव है जी बिल्कुल। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, हेलो जी नू जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना जी? पूछ रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में, लगाया था कैसे क्या होती है जी? मशरूम की खेती आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए आपको? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान हैं जो काफी रुचि दिखा रहे हैं मशरूम की खेती के लिए भी, क्या इनको और आप सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारा जो वेबसाइट है जैसे मैंने बताया dmrsolan.icr.gov.in, उसको लगातार देखते रहे क्योंकि प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी पिछला मई के महीने से हम ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं जी। जहां तक प्रैक्टिकल प्रशिक्षण की बात है वो भी हमारे अनुसंधान केंद्र में शुरू कर दिया गया है, इसके साथ ही जितने भी हमारे एक्विप सेंटर्स हैं वहां भी प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट ग्रोअर्स हैं वो भी अपने केंद्रों पे इस तरह का प्रशिक्षण एक दो दिन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसानों को उपलब्ध करवाते रहते हैं जी। और साथ ही जो एग्रीकल्चर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर भी मशरूम का, खासकर जो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी माइक्रोलियन प्लांट पैथोलॉजी, उनमें भी इस तरह का कार्यक्रम मशरूम की खेती के प्रति जो है जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है।
देखिए सबसे बढ़िया केंद्र है कुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन, वेबसाइट है, दूरभाष नंबर उस पर दिए गए हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या है सभी किसान भाई कभी भी हमारे नंबर, हमारे वैज्ञानिक जो भी जब भी आप संपर्क करेंगे निश्चित तौर पर अपने फोन उठाएंगे, आप मोबाइल नंबर भी दिए, उनके लैंडलाइन नंबर भी दिए हैं, तो जो भी उस पर नंबर दिया है उस पर हम उनसे संपर्क कर सकते हैं जी। और मशरूम की खेती के प्रति क्योंकि एक टेक्निकल जॉब है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं है, इसके प्रति जो है थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, शिक्षण लेना जरूरी है और उसके बाद ही अपना कार्यक्रम शुरू करें। और ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ज्ञान इसका होना थोड़ा जरूरी जी। बिल्कुल जैसा आपने कहा तकनीकी ज्ञान लेना बेहद जरूरी मशरूम की खेती के लिए, और न सिर्फ सोलन हिमाचल प्रदेश से सारी जानकारी किसानों को मिल सकती है मशरूम अनुसंधान निदेशालय से, बल्कि इसके साथ साथ जो कृषि विश्वविद्यालय हैं हर एक राज्यों में या कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे भी आपको हम लगातार जानकारी देंगे जो खरीफ मक्का है इसकी बुआई देखभाल को लेकर, मशरूम की खेती को लेकर, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में दो गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और दो गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुवाई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हेलो किसान, जिसमें आपको आज हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ मक्का की बुआई और देखभाल को लेकर, और इसके साथ साथ अगर बात की जाती है मशरूम की खेती की, इसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उचित प्रबंधन कैसे करना चाहिए, हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे हैं। यहाँ रक्षकलाल आपसे हम जानना चाहेंगे, जो प्रबंधन है वो हर एक फसल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम अगर बात करते हैं मक्का की खेती की तो कैसे ये जो जानकारी है किसानों तक दी जाती है, क्योंकि यहाँ भी अब तकनीकी ज्ञान मेरे ख्याल से हर एक फसल में आवश्यक हो चला है। बिल्कुल मुकुल जी सही है। पहले हम क्या करते थे कि वन टू वन इंटरेक्शन करते थे, किसानों के पास जाते थे, और आजकल क्योंकि कोविड जब से चला है तो जो नवीनतम जानकारी है, आधुनिक जानकारी है, उसको जैसे अपन ने मोबाइल ऐप का काफी बढ़ गया चलन, तो हमारे यहाँ हमने भी एक भारतीय मक्का ऐप करके बनाया जिसके अंदर किसान भाई अपनी किस्मों का चयन कर सकते हैं, साथ साथ अपने कितना खाद उर्वरक देना है, उसका कितना कीटनाशक लगना है, उसके कितना आपका शाकनाशी जो खरपतवार को नियंत्रण करने का, इन सबको कैलकुलेशन करने का भी हमने उसमें डाला है। द्विभाषी है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, इसको किसान भाई यूज करें। ऑनलाइन माध्यम अब किसानों के पास है जी। और इसके साथ साथ जैसा कि सर बता रहे थे, ऐसे ही हम लोगों ने भी हमारे यहाँ किसानों से संपर्क करने के लिए अपने मोबाइल नंबर और अपने फोन नंबर रख रखे हैं, और ऐसे जैसे समन्वित कुंभ
परियोजनाएं, वैसे मक्का में समन्वित परियोजनाएं और लगभग सभी राज्यों में 23 राज्यों में हमारे जो ये परियोजना है इसके केंद्र है वहाँ पे, वो उनकी भी डिटेल दी गई है, उनके भी मोबाइल नंबर उपलब्ध है, उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे से जुड़ सकते हैं जी। कुछ ऐसे डॉक्टर शंकला, जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो जैसा आपने शुरुआत में बताया कि जो मानसून है या बारिश की बात की जाए इस पर काफी निर्भर करता है, जब बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन आने धीरे धीरे जब हमारी बुआई आगे बढ़ती है वक्त होता है तो सिंचाई की अवस्था कब कब रहती है और कितनी बार सिंचाई की आवश्यकता है? जी, जो मक्का की फसल है वो नहीं तो ज्यादा सूखा सहन कर सकती है और नहीं जल गलन सहन कर सकती है, जहाँ पे पानी रुकता है वहाँ पे भी मक्का की फसल अच्छे से नहीं होती, तो जल निकास की उचित व्यवस्था वाली मिट्टी के चयन करना चाहिए। और जो मक्का की फसल है उसमें आपकी एक छोटे पौध की अवस्था, दूसरी आपके घुटने तक की अवस्था, और तीसरा जब नर मंजरी आती है जी, और चौथा जब उसके अंदर दाना पड़ता है, तो ये चार अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर इस समय पानी नहीं होता है जी तो फसल में काफी नुकसान होता है, तो इस समय आपको सिंचाई का उचित प्रबंधन रहना चाहिए। वैसे अमूमन हर बार इस समय बारिशें हो जाती है इन अवस्थाओं पर, लेकिन अगर सबसे जो नरमंजरी आती है और जब दाना पड़ जाता है उसके बाद कभी कभी बारिश चली जाती है, तो एक जो आपकी सप्लीमेंटल इरिगेशन है उसमें उसको देनी होती है, उसकी व्यवस्था अगर होती है तो किसान भाई जरूर करें जी। अन्यथा वो जो जल्दी पकने वाली किस्में जिनके हमने चर्चा की थी पहले उनका चयन करें जी, तो आपको अच्छी फसल की उपज मिल सकती जी। बिल्कुल, देखिए अच्छी उपज आप ले सकेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। इंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो, मैं इंद्र सिंह यादव जी उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। बताइए सवाल जाट साहब से। मेरा ये प्रश्न है कि जो है अपनी ये शीट पे अपने ये वो फुल्ले जो बनते क्या बोलते हैं उसको, बेबी कॉर्न जी जी जी, वो मक्का की खेती क्या मध्य प्रदेश में होती है, और मशरूम की कितने प्रकार की जो है मशरूम होती है? चलिए पहले मक्का का जो जी से एक प्रश्न है कि जो भी आपका लाइव प्रोग्राम रहता है दूसरे दिन रिकॉर्डेड आता है तो उस पर रिकॉर्डेड लिख दिया करे ताकि किसान आपको फोन नहीं करे जी। शुक्रिया आपके सुझाव के लिए, कोशिश हमारी यही रहती है ज्यादा से ज्यादा जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े, लेकिन आपने सुझाव दिया उसके लिए भी शुक्रिया। जो आपने सवाल पूछे मैं उसका पहले यहाँ डॉक्टर शंकरलाल आपसे जवाब ले लेता हूँ। बेबी कॉर्न के बारे में जानना चाह रहे थे, क्या इसकी खेती वहाँ संभव है? जी जी इंद्र सिंह जी, ऐसा है कि इसका हमने बेबी कॉर्न के ऊपर प्रयास किए हैं और आपके यहाँ इंदौर में और आपके यहाँ ग्वालियर में और छिंदवाड़ा में और जबलपुर में इन सब जगह टेस्ट हो चुका है कि बेबी कॉर्न की खेती अच्छे से हो सकती है, और ग्वालियर में बेबी कॉर्न के साथ साथ स्वीट कॉर्न का भी काफी अच्छा वो है जी। तो बेबी कॉर्न के भी जो गुल्ले निकलते हैं उनकी खेती आप करवा सकते हैं, और इसका जो मार्केट हमें डोमेस्टिक मार्केट जो अपने देश में जहाँ पे यूज हो रहा है, सबसे बड़ी मंडी जैसे दिल्ली का मान लें, दूसरा हमारा कलकत्ता के पास में एक हुआ है और तीसरा हमारा पुणे के पास विकसित हुआ है जी। तो ऐसा ही हब आप विकसित कर सकते हैं, और साथ में जो यूरोपियन देश है उसमें हमारे यहाँ से लगभग 7 से 8 क्विंटल प्रतिदिन बेबी कॉर्न का एक्सपोर्ट होता है, तो वो एक्सपोर्ट का मार्केट भी आप टैप कर सकते हैं जी। और क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उसकी जलवायु और सारी चीजें बहुत अच्छी है, पूरे वर्ष पर्यंत तक आप बेबी कॉर्न की खेती कर सकते हैं किसी भी मौसम में किसी भी समय जी। बिल्कुल, देखिए तमाम हम कह सकते हैं विकल्प आपके पास हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं क्षेत्र के अनुसार जलवायु के अनुसार, लेकिन आवश्यक यही कि पहले आप जानकारी लें और फिर उन क्षेत्रों में आगे बढ़ें। साथ ही यहाँ डॉक्टर वीपी शर्मा आपका भी रुख हम करना चाहेंगे, जैसा आपने लगातार बताया कि कितने फायदे हैं मशरूम की खेती की अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने बताया जो तकनीकी ज्ञान है वो तो आवश्यक ही है, लेकिन इसके बाद जब किसान शुरुआत करते हैं मशरूम की खेती की और उम्मीद एक यही रहती है कि अच्छा मुनाफा इसके जरिए मिले, लेकिन कभी कभी उनको नुकसान झेलना पड़ता है, शायद सावधानी वो नहीं बरतते या उचित प्रबंधन नहीं अपनाया जाता, तो कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल उन्हें रखना चाहिए? जी जी आवश्यक यही कि तमाम जानकारी जो है वो होनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा आपके पास अभी हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर शंकरलाल अगर हम देखते हैं क्योंकि जिस तरीके से अब जो किसान है उनका रुझान भी हो चला है, और इस बार भी हमने देखा क्योंकि सरकार की तरफ से जो मोटे अनाज की बात हम करते हैं मक्का की बात करते हैं लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, रकबा भी हमने देखा किस तरीके से बढ़ा, और यही एक वजह हम मान सकते हैं रकबा बढ़ता हुआ नजर आता है, लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और खासतौर से जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस बारे में जानना चाह रहे हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत मलखान जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं?
हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? जी हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है जी। मक्का के बारे में जानना चाहता हूँ कि मक्का की फसल कब तक फल लगा सकते हैं जी? मलखान सिंह जी, आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश जानना चाहता हूँ कि जी आपका सवाल सुन जी आपका सवाल सुन चुके हैं और नहीं मलखान सिंह जी के और बाकी सभी कृषक भाइयों को बताना चाहता हूं कि मैंने जैसे बताया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप वर्ष पर्यंत लगा सकते हैं, ठीक है। उनमें आपका मध्य प्रदेश भी एक मुख्य राज्य है और वहां पे जैसे अगर आपके इसके बाद आपको गेहूं की फसल लेनी है तो जो मैं किसमें बताया डीकेसी 70-74 है, सीपी 555, सीपी 333 और विवेक शंकर 27, इनका चयन करके आप जुलाई के अंत तक भी आप मक्का की फसल लगा सकते हैं जी। उसके साथ अगर आपकी पीछे वाली फसल नहीं है तो क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु ऐसी है जिसके अंदर पानी के दिनों की संख्या मतलब रेनी डेज की जो वर्षा के दिनों की संख्या भी काफी होती है और बरसात भी यहाँ पे 1000 mm तक होती है, तो वहाँ आप मध्यम अवधि वाली किस्में जिसमें डीएचएम 117 है, डीएचएम 121 है, इनका भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके पीछे वाली फसल जैसे आपको चना लगाना है या चना लगाना है जी और यहाँ कोई फसल आपके पास नहीं लगानी है, बिल्कुल, तो विकल्प है आप जुलाई अंत तक आप मक्का की फसल की बुआई कर सकते हैं जी। तो देखिए आपके पास विकल्प मौजूद है लेकिन यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी होगी, जो किस्म है इस समय के लिए उसका ही आप चयन करें, उसके बाद अच्छी उपज जो है वो आपको ले सकेगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से सावधानी की बात आप हमें बता रहे थे, किस तरीके की सावधानी किसानों को रखनी चाहिए जिससे मशरूम के जरिए मशरूम और मुनाफा जो है वो एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ सके किसान की उन्नति के लिए। मुकुल जी, मशरूम का खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी, क्योंकि मशरूम की फसल एक इंडोर क्रॉप है, कमरे के अंदर की जाती है और वर्ष में कई फसलें एक ही जगह पे ले जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मशरूम पे लगने वाली बीमारियां हैं जब एक ही फसल को एक जगह पे बार बार ले जाता है तो बीमारियां कुदरती है कि बढ़ जाती है जी और कीड़े मकोड़े भी उस पर पड़ जाते हैं, क्योंकि रोकथाम करने के लिए हमें हर स्टेप पे हर कदम पे साफ सफाई की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबस्ट्रेट की बात की जाए जो सबस्ट्रेट उसमें लगता है, खाद की बात करें उसमें जो सबस्ट्रेट उसको कंपोस्ट बोला जाता है बटन मशरूम की खाद को जी। जो बटन मशरूम का कंपोस्ट होता है तो अच्छी क्वालिटी की बनी होनी चाहिए। जो सबस्ट्रेट हम प्रयोग करते हैं दूसरे मशरूम की खेती के लिए, चाहे वो भूसा है चाहे गन्ने की कोई है, वो प्रॉपरली स्टलाइज होनी चाहिए, उसके अंदर पानी की मात्रा एकदम जितना ऑप्टिमम उसके अंदर क्वांटिटी होना चाहिए और उसके अंदर किसी भी तरह का जो दरवाजे के ऊपर जाली लगी होनी चाहिए, जो मक्खी वगैरह है मशरूम की विशेष मक्खियां होती हैं जो मशरूम को नुकसान पहुंचाती हैं जी, उनकी रोकथाम के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। और जब मशरूम की फसल खत्म हो जाती है, क्योंकि मशरूम का जो फसल चक्र है किसी का 20 दिन है, किसी का 2 महीने है, इस तरह का फसल चक्र चलता है, तो जब फसल चक्र पूरा जाता है, पूरा होने के बाद जो सबस्ट्रेट बच गया जिसे हम स्पेंट मशरूम का सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं या जो मशरूम का अवशेष बचा, और जब हम 1 किलो मशरूम पैदा करते हैं तो लगभग 4 से 5 किलो अवशेष पैदा होता है मशरूम का जी, वो एक हाईली ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसका प्रयोग हम खेतों के लिए जो हमारी फलदार पौधे हैं या सब्जियां हैं या दूसरी फसलें हैं उसमें खाद के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं और हमारे किसान अपनी लागत को भी इसके जरिए कम कर सकेंगे। और फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हाँ हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? हाँ नमस्ते सर, मशरूम जो है तो हम मिट्टी घर में हो सकता है? मिट्टी घर में मशरूम की खेती आप करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं वहाँ हो सकती या नहीं? मिट्टी के घर की पूछ रहे जी। हाँ मिट्टी घर में जो सन नहीं है, सन नहीं है। हाँ मिट्टी घर में मिट्टी नीचे में मिट्टी है जी, तो वो सन देगा नहीं है तो उसमें हो सकता है क्या? नहीं जी। डॉक्टर शर्मा, सवाल पश्चिम बंगाल से भोपाल जी का, मिट्टी के साथ साथ ये जानना चाह रहे हैं क्या वहाँ पे ये संभावनाएं हैं कि उसमें ये मशरूम की खेती कर पाए?
बिल्कुल, मशरूम की खेती जैसे मैंने कहा कि पूरे विश्व में होती है, हमारे भारतवर्ष में हर प्रदेश में होती है, और पश्चिम बंगाल में विशेषकर जो ऑयस्टर मशरूम है जिसे ढीरी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है वहां पे मशरूम, और क्योंकि वहां पे धान का जो पुआल है काफी मात्रा में पाया जाता है, और इस मशरूम की खेती करने के लिए हमें पुआल की आवश्यकता होती है, उसका प्रयोग करते हैं। और उस मशरूम में जो ऑयस्टर मशरूम है, ढीरी जिसे कहते हैं, उस मशरूम में हमारे पास ऐसी प्रजातियां हैं जिसकी खेती हम लगभग 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल संभव है, और उसका रख रखाव भी बहुत ही संभव है, उसकी खेती करना बहुत ही आसान है। भूसा लेते हैं, उसको गीला करते हैं, गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए फीड करते हैं, बीज मिलाया, कमरे में रख दिया जो तापमान स्पीसीज के लिए चाहिए, उसके बाद 15-20 दिन बाद उसमें फसल निकलना शुरू हो जाती है, और पूरा चक्कर जो है लगभग 35 से 40 दिन या 45 दिन में पूरा हो जाता है। वो जो मशरूम निकला उसको तुरंत आप मार्केट में बेच सकते हैं, या उसको आप सुखा करके उसका भंडारण भी कर सकते हैं, और जो चार जो पीछे बच गया, जो पुआल बच गया जिसके ऊपर मशरूम की खेती की, उसका प्रयोग हम पशु जो पशु हैं उनके चारे के रूप में भी कर सकते हैं। तो आमों के आम, गुठलियों के ताम, नुकसान का कहीं गुंजाइश नहीं है मशरूम की खेती जी। तो कम लागत में देखिए ज्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है मशरूम की खेती के जरिए भी, और उसके साथ साथ मक्का की खेती जो हमारे किसान करते हैं, किस तरह की देखभाल उसमें आवश्यक है, या वहां कैसे आप मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप तो देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा है बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान पर। आप लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ मक्का की बुआई और देखभाल, और साथ ही मशरूम की खेती को लेकर कितनी मुनाफे की संभावनाएं देखी, इन दोनों ही फसलों में छिपी हुई है, आवश्यकता है तो उचित प्रबंधन की। और खासतौर से प्रशंकलाल, जब हम कहते हैं किसान को कि लागत कम हो सके मुनाफा ज्यादा हो, उसमें हम देखते हैं जो खाद है उसमें काफी लागत किसानों की जाती है, मक्का की फसल में कितनी आवश्यकता रहती है हमें उर्वरक की? देखिए मक्का की फसल में जो आपका गोबर की खाद है उसको देने का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करती है, और आप 8 टन अगर गोबर की खाद डाल देते हैं तो आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि अमूमन सारी 85 से 90% मक्का जो इस समय होती है वो वर्षा आधारित होती है। तो पहला तो ये चीज रखें, और ये काफी किसान भाई हिचकिचाते हैं इसको डालने से, काफी अवेलेबल भी रहती है क्योंकि अपन देख रहे हैं पशुपालन में काफी बड़ा है अपना देश आगे जी, तो गोबर का खाद का अच्छे से उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि जो आपका बाकी बुआई के समय आपको एक बैग DAP डालना होता है और 30 किलो के आसपास यूरिया है,
और 40 किलो के आसपास 35 किलो के आसपास आपको पोटास डालना होता है, और जहाँ जिंक की कमी होती है तो उसमें 5 से 6 किलो आपको जिंक एक एकड़ का डालना होता है। जब आपकी फिर 30-35 दिन की फसल होती है घुटने तक की, उस समय आपका ये तय होता है कि आपका भुट्टा कितना बड़ा होगा, हालांकि किसान को दिखता नहीं है, उस समय तय होता है। तो उस समय आपको पोषक तत्व फिर चाहिए, तो उस समय आपको एक बैग यूरिया, और दूसरा आपकी नरमंजरी आती है उस समय आपको एक बैग यूरिया। तो ये जो आपको है इसके साथ ही आपके जो इफको का नैनो जिंक वाला नैनो यूरिया भी आया है जी। तो एक बैग का सब्स्टिट्यूट है वो जो एक बोतल जो बताई जा रही है जी, तो उसका भी प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो इतनी मात्रा आप दें तो इससे आपकी फसल गिरेगी भी नहीं, और 3 बार अगर आप देंगे इसको तो क्या है कि इसकी जैसे बारिश से ज्यादा होती है उससे भी धुल जाता है, और दूसरा इसकी बढ़वार इतनी तेजी से होती है कि हर स्टेज के ऊपर इसको जरूरत पड़ती है जी। तो आप तीनों स्टेज पे प्रयोग करें, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें, तो आपको ज्यादा इसकी दक्षता मिलेगी जैसा आप कह रहे हैं कि, और ज्यादा आपको जितनी लागत है उससे ज्यादा आपको मुनाफा होगा जी। बिल्कुल देखिए, और ज्यादा मुनाफा जो है वो आपको हो सकेगा, और साथ ही साथ मशरूम की भी लगातार हम बात कर रहे हैं जिसमें तमाम संभावनाएं हैं मुनाफे के लिए। डॉक्टर शर्मा, अगर देखा जाए जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि अगर मशरूम की भी हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक अच्छी खासी जगह हम देखते हैं। मशरूम का जो बाजार है काफी बड़ा बाजार है, लेकिन क्या जो किसान है उस स्थिति में भी आ सकते हैं कि वो मशरूम का निर्यात कर पाए अभी भी, क्योंकि कई किसान हैं जो बड़े पैमाने पर ही करते हैं? बिल्कुल मुखी जी, क्योंकि मशरूम में ऐसी पोटेंशियल है, और हमारे पास पहले से ही जब हमारे पास काफी बड़े फार्म यहाँ पे भारतवर्ष में विकसित हुए जी, वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे, जिनके लिए जितना भी उत्पादन करते थे। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहीं पे पंजाब में एक फार्म होता था चंडीगढ़ के पास जो 40,000 टन के करीब करीब मशरूम का उत्पादन करता था वर्ष में, और पूरे का पूरा जितना मशरूम पैदा होता था अमेरिका भेजा जाता था जी। आज भी हमारे कुछ 6 ऐसे यूनिट्स हैं जो बाहर मशरूम भेजते हैं, देहरादून में एक फार्म है जो बाहर भेजता है मशरूम को, और भी कई यूनिट्स हैं, और निर्यात की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं मशरूम में, और अच्छा मुनाफा हम जो फॉरेन एक्सचेंज और काफी अर्जित कर सकते हैं, खासकर जर्मनी की बात करें, यूके, यूएसए, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, और हमारे लिए सबसे जो बढ़िया डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट करने के लिए जितने गल्फ कंट्रीज हैं जी उनमें हम निर्यात मशरूम का कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक आम आदमी, एक आम किसान शायद वो नहीं कर पाए, क्योंकि एक मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए और जो उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको मीट आउट करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में शायद हमारे जो किसान उत्पादक संगठन है वो काफी कारगर। इस बारे में आगे भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से लेते हैं। गोलू जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, मैं सागर मध्य प्रदेश गोलू बोल रहा हूँ सर। जी बताइए जी सर, मेरे सवाल है, मतलब खेत में मक्का बोया सर तो उसमें पेड़ निकलने लगे सर जी, तो उस पेड़ पर सर वो खाद रखना चाहता हूँ, तो सर बारिश नहीं होती सर खाद रख सकता या नहीं रख सकता हूँ सर? जी बारिश के सीजन में खाद लगाना सही है नहीं? देखिए गोलू जी, ऐसा है कि बारिश के मौसम में जब आपकी बारिश हो जाए उसके बाद आपको खाद लगाना है, ठीक है? जो ये कीड़ा होता है ये 10-14 दिन तक आपकी फसल पे रहता है, और मतलब उसके बाद उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, अपने आप भाग जाता है, अगर भाग के जाता है दूसरी अवस्था में चला जाता है। तो जब आपकी पौधे के ऊपर सभी बाकी किसान भाइयों के लिए जब उसमें थोड़े थोड़े हल्के व्हाइट कलर के पैचेज आए तो समझ जाना है कि इसके अंदर कीड़ा लग गया है, और उस समय अगर आप कोई कंट्रोल मेजर लेते हैं वो सबसे कारगर रहता है, चाहे आप ट्राइकोग्रामा को रिलीज कर रहे हैं, चाहे आप दूसरा और बीटी फॉर्मुलेशन का स्प्रे कर रहे हैं, या नीम बेस्ट पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं जी, तो ये तीनों आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़े छिद्र हो गए, तो आपके पास इमामेक्टिन बेंजोइट है जो इगाओ या के नाम से भी आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं 0.4 ml प्रति लीटर पानी में डाल के, और जिन जिन पौधों में हो रहा है जी उनके अंदर आप थोड़ा नोजल ढीला करके और उसके ऊपर से डाल सकते हैं। और इसके साथ दूसरे पेस्टिसाइड भी हैं जिसमें आपका क्लोरेन ट्रैलिपोल जो कोराजन और आदि नामों से आता है जी, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं 0.4 ml प्रति लीटर पर। सबसे बड़ा ध्यान देने की बात इसमें यही है कि पौधे का जो गोब होता है सेंटर में उसी के अंदर डालें,
आप बड़े पावर स्प्रे से नहीं करें, जिससे अच्छा आप नहीं करेंगे स्प्रे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 13-14 दिन बाद या फिर रात को अगर अच्छी बारिश हो जाती है, क्योंकि ये कीड़ा रात में निकलता है बाहर में और रात को फसल खाता है, तो रात में बारिश हो जाती है तो कभी कभी बार काफी सावधानी रखनी देखिए बेहद जरूरी, इसलिए कहा भी जाता है कि लगातार खेत की निगरानी आप करते रहें, इस तरह के लक्षण नजर आए तो जरूरी जो उचित प्रबंधन है उसको अपनाएं। फिलहाल शंकरलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, साथ ही डॉक्टर वीपी शर्मा आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बताया कितना मुनाफा जो है हमारे किसान अन्नदाता जो हैं वो ले सकते हैं मशरूम की खेती करके, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आज आपने बात चाहे हम मशरूम की करें या मक्का की जाए, उचित प्रबंधन अपनाना जरूरी है हर एक फसल के लिए, और उचित प्रबंधन अपनाकर ही ना सिर्फ आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं बल्कि लागत को कम कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि सही समय पर सही जानकारी जो है वो आपको आगे बढ़ाएगी, और इसीलिए जो प्रबंधन है वो अपनाना आवश्यक माना जाता है और खेती के लिहाज से उतना ही महत्वपूर्ण भी है। तो आज आपने जानकारी ली इन दोनों विषय के बारे में, अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने सवाल तैयार कर सकें। हमारे अगले विषय होंगे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं और अनाथ प्रसंस्करण से उद्यमिता विकास, इन विषय से संबंधित सवाल आप पूछ सकेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहां भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, और फिर आप हेलो किसान को कभी भी कहीं भी दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। आवश्यक यही कि सही जानकारी जो है वो आप हासिल कर सकें, और हेलो किसान कार्यक्रम में ऐसा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ही जो आपकी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान भी हो सके। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।